हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं करने वाली हूँ बिरयानी वॉर सीरीज, तो ये है उसका एपिसोड नंबर 1, जहाँ पे मैं ट्राई करने वाली हूँ दो आउटलेट, जिसमें से एक है चारकोल ईट्स वर्सेस बहरोज बिरयानी। सो लेट्स ट्राई दिस आउट। और मैं इसको रेटिंग करने वाली हूँ इसके 5 पॉइंट्स से, जैसे कि प्राइस, पैकेजिंग, क्वालिटी, क्वान्टिटी एंड टेस्ट। सो लेट्स ट्राई इट आउट। सो गाइस, दिस इज चारकोल ईट्स का पैकेजिंग मैंने यहाँ, और ये वाला जो है ये बहरोज बिरयानी का है। तो मैंने बेसिकली दोनों ही आउटलेट्स में से दो अलग अलग मंगाए हैं, लाइक एक वेज वाला और एक नॉन वेज वाला। तो हम दोनों को ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं दोनों का एक एक वेज टेस्ट करने वाली हूँ। तो जो चारकोल में से जो मैंने मंगाया है वो पहले ओपन करके चेक कर लेता हूँ। सो गाइस, दिस इज द पैकेजिंग ऑफ चारकोल ईट्स। जैसे वो लोग बहुत ही प्रॉपर से वो लोग ने एकदम पैकिंग करके दिया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ कटलरीज भी दिए ये लोग ने, और ओके यहाँ पे अच्छे से वो लोग ने मेंशन भी करके किया कि दिस वन इज़ वेज एंड दिस वन इज़ नॉन वेज। ऑल्सो वो लोग ने हम लोग को ये ऑनियन का जो रायता है वो भी दिया है। जो वेज बिरयानी है उसका नाम है लखनवी वेज दम बिरयानी, जिसका प्राइस अराउंड 369 है। तो सबसे पहले मैं ये चारकोल जो बिरयानी है वो ट्राई करने वाली। सो जस्ट हैव अ लुक। और ये कटलरीज भी एक बार ओपन करके देख लेते हैं। इसमें हम लोग को मिला है कि ये टिश्यू पेपर दिया है एंड ये फोक मिला है। सो लेट्स टेस्ट दिस। और सो ये रायता भी ओपन कर लेता। सो ये है ऑनियन रायता, काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में वो लोग ने दिया है। सो लेट्स टेस्ट दिस नाउ। सो गाइस, सबसे पहले मैं ये चारकोल वाला ट्राई कर दूँ। सो लेट्स टेस्ट दिस नाउ। जैसे वो लोग, इसमें बहुत सारे ऐसे मसाले पीछे हैं, जैसे हम मिक्स करके लेंगे। सो गाइज, ये टेस्ट में थोड़ा सा स्पाइसी लग रहा है, बट काफ़ी टेस्टी है। एंड क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द प्राइस मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी ज़्यादा है। सो ऑल्सो ये लोग ने ये जो रायता दिया है ये भी टेस्ट कर लेते हैं। रायता काफ़ी अच्छा है, इसकी दही बहुत ज़्यादा फ्रेश है, सो दैट इज़ रियली अमेजिंग। सो गाइज, ये है बहरोज बिरयानी का पैकेज। जस्ट हैव अ लुक। चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं। इसके अंदर इसके ये पैकेजिंग आया, बॉक्स में पैकेजिंग किया है जस्ट चावल। और आप देख सकते हैं इसमें भी हम लोग को वेज और नॉन वेज मेंशन किया है। एंड इसमें कोई भी कटलरीज नहीं आई है, कोई रायता अभी तक तो मुझे इसमें नहीं दिख रहा, तो शायद इसके अंदर होगा, लेट्स सी। तो नेक्स्ट मैं ये बहरोज बिरयानी के जो वेज बिरयानी है वो ओपन कर लेती। मेरे से कभी नहीं खुलता। जस्ट चावल लोग, इसके अंदर ये लोग ने बहुत ही अच्छे से पैकिंग की है। और आई थिंक ये बिरयानी के लिए वो लोग ने प्रॉपर से अच्छे से अलग पैकिंग दिया है। प्लस यस, ये लोग ने भी कटलरीज प्रोवाइड की है इसके अंदर। लेट्स ओपन दिस। इसमें भी ये लोग ने एक टिश्यू पेपर एंड स्पून दिया है। अभी मैं ये बहरोज बिरयानी का वेज बिरयानी टेस्ट करने वाली हूँ। सो जस्ट हैव अ लुक। इसमें इतने सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, वाओ, देखने तो काफ़ी ज़्यादा यम्मी लग रहा है। ये प्राइस के अकॉर्डिंग इसका क्वान्टिटी भी मुझे ज़्यादा लग रहा है। आई मीन ऑलमोस्ट वर्थ द क्वान्टिटी, आई मीन वॉट द प्राइस लग रहा है ये। सो लेट्स ट्राई दिस। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, इसमें फ्लेवर्स भी अच्छे हैं, वेल बैलेंस्ड हैं। सो ये जो दही है, ये लोग ने, मुझे लगा कि पहले ये चटनी है, बट इट्स नॉट चटनी, इट्स बेसिकली अ दही। तो ये भी एक बार मैं टेस्ट करके देख लेती थी क्या आया है। दही बहुत ज़्यादा खट्टा है, तो मुझे तो ये बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। रायता अलग होता है, दही अलग होता है, तो ये इसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। तो मैं गुलाब जामुन भी ट्राई कर लेती हूँ। इसमें ये लोग ने एक ही गुलाब जामुन दिया है, सो ये इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। काफ़ी हार्ड लग रहा है ये तो। मस्त लग रहा है ये भी। फिर गाइस, ये है चारकोल ईट्स की नॉनवेज बिरयानी, और ये रायता भी है। ऊपर से भी अच्छे से ऑनियन डाले हैं एंड नीचे है ये ग्रेवी। पहले मैं सबको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। चिकन का पीस दिख रहा है कि नहीं? ओके, हाँ, बेसिकली ये तो चिकन के पीसेस है। जैसे कि हम लोग ने ये सिक वाला मंगाया था, चिकन सिक, तो ये कबाब जो होता है चिकन के, वैसे चावल। सबसे पहले मैं इसके साथ एक बड़ा बाइट ले लेती हूँ। सब मिक्स करने वाला रहता है, हाँ, बहुत बड़ा बाइट, मुझे पहले क्यों नहीं सोचा। काफ़ी ज़्यादा यम्मी लग रहा है यहाँ।
बहुत टेस्टी भी है। वैसे उसके जो ये चिकन सीख कबाब है प्रॉपर कुक्ड है, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। क्वान्टिटी ओके वाइज प्राइस के अकॉर्डिंग इसका जो क्वान्टिटी है थोड़ा सा कम है, बट स्टिल अगर टेस्ट इतनी अच्छी हो तो बिरयानी बहुत अच्छा लगेगा यार। ये तो ये इसमें जो ये रायता है ये भी ट्राई कर लेते हैं, वैसे तो सेम ही लग रहा है। काफ़ी डिलीशियस है इसका रायता, और काफ़ी इसकी जो दही है वो काफ़ी फ्रेश है, तो बहुत अच्छा लगा। तो ये है बैरोज बिरयानी के नॉनवेज बिरयानी, सो जस्ट हैव अ लुक। इसमें भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भरे हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा ये। इसका चिकन का पीस की तरह दिख गया, इसमें चिकन का पीस है। तो लेट्स टेस्ट दिस। वाह, ये बहुत ज़्यादा यमी लग रहा है। उसका चिकन काफ़ी जूसी है और प्रॉपर कुकड है, तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है। उसकी जो ग्रेवी है वो भी बहुत यमी लग रही है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेवरफुल लग रहा है ये। ऑल्सो इसके साथ भी ये सेम दही का जो रायता टाइप वो लोग ने सर्व किया है, जो रायता नहीं है प्लेन दही है, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है टेस्ट में, तो मैं ये बिल्कुल ट्राई नहीं करने वाली हूँ फिर से। मुझे ये तो बहुत टेस्टी लगी। सो गाइस, अभी मैंने दोनों ही बिरयानी टेस्ट कर ली है, चारकोल की भी और भैरोज़ की भी। सो मैं अभी अकॉर्डिंगली रेटिंग दूंगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइस में। जो चारकोल की बिरयानी थी, लखनवी वेज दम बिरयानी, उसका जो प्राइस था इट वॉज 369। एंड जो भैरोज़ की बिरयानी थी, सब्जी बिरयानी जो वेज वाली थी, इट वॉज 315। तो अकॉर्डिंगली भैरोज़ की बिरयानी का प्राइस कम था, सो हम लोग उसको ज़्यादा रेटिंग देंगे। सो अकॉर्डिंग टू द रेटिंग पॉइंट आई एम गोइंग टू गिव लाइक 5 आउट ऑफ रेटिंग फॉर एवरीवन। तो बैरोज़ के लिए हम लोग 5/5 देंगे, बिकॉज प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम है इसके अकॉर्डिंग टू दिस। और हम लोग जो चारकोल है उसको 4 रेटिंग देंगे। सो पैकेजिंग की बात करें तो मुझे बैरोज़ का पैकेजिंग चारकोल के पैकेजिंग से ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज वो अलग सा पैकेजिंग आया, उसके अंदर एक गुलाब जामुन भी था, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री दिया था, मुझे इसलिए बैरोज़ का ज़्यादा अच्छा लगा। सो 5 out of 5 आई विल गिव बैरोज़ 5, एंड जो चारकोल को मैं 4 दूंगी। क्वालिटी की बात करें तो जो राइस की क्वालिटी थी एंड चिकन एंड एवरीथिंग, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे चारकोल का ज़्यादा अच्छा लगा, वो वेज हो या नॉन वेज दोनों में। एज वेल फॉर द भैरोज़ वाला मुझे उससे थोड़ा कम लगा, इसलिए अकॉर्डिंगली टू दिस चारकोल को मैं क्वालिटी वाइज 5/5 दूंगी एंड भैरोज़ को 4। सो गाइस, अभी क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी में जब हम लोग देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो प्राइस की, प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी कितनी आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भैरोज़ की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू चारकोल, इसलिए मैं भैरोज़ को 5/5 रेटिंग देने वाली हूँ एंड चारकोल को 4 दूंगी। लास्टली टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मुझे जो वेज, जो सबसे पहले हम लोग ने कंपेयर किया वेज में, तो वेज में मुझे चारकोल की जो बिरयानी थी वो ज़्यादा अच्छी लगी, एंड जो नॉनवेज है उसमें मुझे भैरोज़ की जो चिकन बिरयानी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो अकॉर्डिंगली हम अलग अलग रेटिंग्स देंगे। तो वेज में जो है हम चारकोल को 5/5 देंगे एंड भैरोज़ को 4, एंड सिमिलरली इन भैरोज़ का जो है उसमें हम लोग चिकन को 5/5 रेटिंग देंगे एंड चारकोल को 4। सो गाइस, जैसे कि जब खाने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है टेस्ट। तो येस ऑफकोर्स, जैसे वेज में हम लोग को चारकोल की बिरयानी पसंद आई तो वेज में हम लोग चारकोल को विनर बनाएंगे, एंड भैरोज़ की जो है चिकन बिरयानी बहुत अच्छी थी तो इसलिए मैं चिकन केस में भैरोज़ का विनर बनाऊंगी। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं कौन से बिरयानी के आउटलेट से करूँ वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय गाइज़।